हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट सभी ठीक होंगे। बच्चों, पहले वीडियो में हमने जाना था कि यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट थे उनको हमने पहले बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद से तब इस वीडियो पे पढ़ जाओ। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आपको अपने स्कॉलरशिप फॉर्म भरने हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से आप फॉर्म भरोगे तो 100% आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या करना है, स्टूडेंट कौन, यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप लिख दीजिएगा। ठीक है, कहीं साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, आपको सारी चीजें यही जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मान लीजिए यूपी स्कॉलरशिप यहाँ पर लिख दिया, यूपी स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दिया यहाँ पे पोर्टल पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पोर्टल खोल रहे हैं, फिर स्टूडेंट कॉर्नर पे क्लिक कर दो आप। ठीक है, अब स्टूडेंट कॉर्नर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो एक फ्रेश लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है बच्चों। फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, रिन्यूअल वाले परेशान ना होना, आपका वीडियो कल आ रहा है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, आप बहुत कम काम करना है। यदि ये वीडियो जो है सिर्फ फ्रेश स्टूडेंट के लिए, जो नए बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय में आए हैं या जो स्टूडेंट पहली बार स्कॉलरशिप के फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, फ्रेश लॉगिन पे बच्चों क्लिक करना है, ऑटोमेटिक अदर देन पे क्लिक कर देना है। ठीक है बच्चों, क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, आगे लॉगिन करने के लिए तो रजिस्ट्रेशन नंबर, हमने क्या किया था पहली बार रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाया था कि कैसे आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, तो वो वीडियो आपने देख लिया होगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फेस करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेते हैं। ठीक है, मान लिया बच्चों यहाँ से हमने रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी कर लिया। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है स्टूडेंट का, तो डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ से उठा लिया। ठीक है, स्टूडेंट का, चलिए हमने डेट ऑफ बर्थ को कॉपी कर लिया बच्चों। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि भैया इनका पासवर्ड क्या था। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे अब इनका पासवर्ड यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड जैसे ही फिल करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे पासवर्ड भर दिया। फिर हमें ये कैप्चर कोड भरना है बच्चों। ठीक है, हमने ये कैप्चर कोड भर दिया, सबमिट कर दिया बच्चों। अब सबमिट करने के बाद देखिए ये विंडो कुछ इस तरीके से खुल के आएगा बच्चों। ये फॉर्म हम लोगों ने भर दिया था, एक एक प्रोसेस कर दिया था। प्रॉब्लम ये हुआ भाई, यूट्यूब साहब ने क्या कहा कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का मतलब पालन नहीं किया। कोई बात नहीं, हम आपके लिए दोबारा से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कह रहे हैं कि मतलब सबसे पहले आपको आएगा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें। ठीक है, तो कुछ ऐसा पोर्टल बच्चों आपके पास खुल के आएगा। ठीक है, ये देखो आप, ऐसा पोर्टल आपके सामने खुल के आया बच्चों। टोटल जो है 6 कॉर्नर है, 6 बड़े काम के कॉर्नर है बच्चों। तो सबसे पहले सचिव कॉलम पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, रजिस्ट्रेशन का काम हमने पहले वीडियो में कर लिया, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सचिव कॉर्नर में हमने काम रजिस्ट्रेशन का काम कर दिया, अब हम सचिव कॉर्नर पे काम कर रहे हैं मतलब भर रहे हैं फॉर्म। तो सचिव पे सबसे पूछेगा पाठ्यक्रम का प्रकार, स्वप्रतिशत जिसके भी अलॉटमेंट लेटर पे बच्चों एसएफ लिखा होगा तो 100% सेकंड वाला ऑप्शन चूज करेगा, जिस पे एसएफ नहीं लिखा होगा वो नियमित वाले पे क्लिक करेगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद से पाठ्यक्रम का नाम किस कोर्स में है, जैसे बीकॉम में है, ठीक है, बीकॉम ऑनर्स में है, फाइन आर्ट में है, लॉ में है, तो सभी के बच्चे यहाँ पे कोर्स पूरा दिया हुआ है। तो हमने जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था वो बीसीए के स्टूडेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका कोई ब्रांच नहीं होता है बच्चों, तो ब्रांच के ऑप्शन में सेम बैचलर ऑफ वही होगा। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कौन से ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर का, अगर आप दूसरी बार फॉर्म भरे हो तो इसमें आप सेकंड ईयर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से क्या आपका एडमिशन लेटरल एंट्री के आधार पे हुआ, नहीं, मेरा एडमिशन लेटरल एंट्री के आधार पर। लेटरल एंट्री का मतलब ये होता है स्टूडेंट जिसका भी एडमिशन 12th के नंबर के अकॉर्डिंग होता है उसको लेटरल एंट्री कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। क्या आपने हॉस्टल के लिए आवेदन किया है या नहीं किया है, ये पूछा गया है, मतलब आप हॉस्टल में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब बच्चा सोचेगा भैया अभी तो आप मान लीजिए आज 12 तारीख को मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी तो मुझे हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ, क्या करूँ। देखो बच्चों, आप एक काम करना, आवासीय छात्र पे क्लिक कर देना, डॉक्यूमेंट मिल जाए तो उसके साथ लगा के जमा कर देना, नहीं मिलेगा तो अपने आप दीवा कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन बता रहे हैं बच्चों की वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की तिथि। प्रवेश लेने की तिथि मतलब जिस दिन आपका फीस पेमेंट हुआ, जिस दिन आपके अलॉटमेंट लेटर पे डेट दिया होगा बच्चों,
डेट दिया होगा, उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, सेम वही डेट बच्चों यहाँ पे भी मेंशन कर दीजिएगा। और इसके बाद से बच्चों वीडियो में पूछा है मतलब फॉर्म में कि अपडेटेड एजेंसी का नाम और एजेंसियन का पंजीयन फॉर्म, मीन्स यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी द्वारा एक इनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आप देखिएगा अपने फीस रिसिप्ट पे जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन आईडी लिखा होगा बच्चों वहीं पे आपका होगा इनरोलमेंट नंबर, उसको फिल करना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या आपका एडमिशन ट्वेल्थ के मार्क्स के आधार पे हुआ था, नहीं मेरा एडमिशन ट्वेल्थ के मार्क्स के आधार पे नहीं हुआ, नो पे क्लिक करना है। मान लीजिए आप बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं बच्चों, बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम की पात्रता केवल इंटरमीडिएट होगी बच्चों, ठीक है। उसके बाद से एकेटीयू के द्वारा काउंसलिंग नहीं हुआ था, यहाँ पे नो कर देंगे, इसमें चारों ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में मूव अप कर जाना बच्चों, यहाँ से पूछ लेगा कि हाई स्कूल में आपके कितने नंबर थे, कब पास किया था, 2019 से पास किया था, 2021 में पूर्णांक कितना था, मंथ्स टोटल मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, कितना नंबर आपने पाया है और उसके कितने परसेंटेज बने, ये एंटर करिए। एंटर करने के बाद बच्चों यहाँ से पूछेगा फिर यहाँ पे कैप्चर कोड आपको भरना है, ठीक है। कैप्चर कोड भरने के बाद बच्चों सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है बच्चों, ठीक है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे बच्चों नेक्स्ट मूव कर जाएंगे हम निजी वाले, ठीक है, निजी वाले कॉर्नर में आ जाएंगे। अब बच्चों जैसे ही निजी वाले में आए तो निजी वाले में एक चीज करिएगा बच्चों, मतलब एक काम करना आपको, आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस दिया होगा वही आवासीय एड्रेस में फिल करिएगा, फिल करने के बाद ये चेकबॉक्स में भर दीजिएगा, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, दिव्यांगता कोई भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा बच्चों कैप्चर कोड भरिएगा और इस फॉर्म को क्या करिएगा अपडेट पे क्लिक कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। 46236 मैंने कर दिया अपडेट, ठीक है। अब बच्चों आगे हम बैंक के कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, जैसे ही रिफ्रेश होगा तो बच्चों हम अब आगे हैं अपने बैंक के कॉर्नर पे, ठीक है। बैंक कॉर्नर में क्या करना है बच्चों, बैंक का नाम सेलेक्ट करना है जो आपके पासबुक में दिया हो, ठीक है। किस जगह का आपका अकाउंट है, कई लोग कहते हैं कि सिर्फ लखनऊ का अकाउंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वहां से इंटरलिंक का रहना चाहिए या उस जिले का होना चाहिए, अब ये नियम स्कॉलरशिप ने खत्म कर दिया, आप पूरे यूपी के कहीं का भी अकाउंट नंबर लेके आइए, यूपी स्कॉलरशिप में लगा सकते हैं, ठीक है। तो जिला कौन से जिले में आपका खाता है, उस ब्रांच का क्या नाम है, आपका खाता नंबर क्या है, फिर वही खाता नंबर आपको दोबारा से यहाँ पे डालना है बच्चों, ठीक है। जैसे ही ये खाता नंबर दोबारा से भरेंगे, ठीक है, तो इन्होंने कहा है दोबारा से आप खाता नंबर डालिए और यहाँ पे आईएफएससी कोड, फिर छात्र का नाम, फिर इन्हें देना है डिक्लेरेशन, ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी सही है। और उसके बाद से बच्चों हमें क्या करना है, कैप्चर कोड भरना है और उसके बाद से हमें क्या कर देना बच्चों, अपडेट के कॉर्नर पर क्लिक कर देना, ठीक है बच्चों। अब ये कह रहे हैं सक्सेसफुली अपडेट। अब आगे हम शुल्क संबंधित पे विवरण पे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भैया एक बार और अकाउंट नंबर डाल दीजिए, ठीक है, कोई नहीं, एक बार हम और अकाउंट नंबर भर देते हैं यहाँ पे, ठीक। अब बच्चों कई बार ये इशू आएगा तो आप एक काम करिएगा, सीधे होम बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और होम बटन पे आवेदन पत्र पे संशोधित करने के ऑप्शन पे आ जाइएगा और सीधा सीधा चले जाइएगा शुल्क संबंधित कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा जब बैंक में ऐसा इशू होता है। अब बच्चों एक चीज है यहाँ पे क्या होता है कि अब पूछा जा रहा है कि अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, इसका मतलब जान लो बच्चों क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपको पूरे साल में मतलब पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर दोनों मिला के आपको कितने फीस जमा करने हैं। भैया ये फीस की जानकारी कहाँ होगी, देखो फीस की जानकारी के लिए हम आपकी सहायता के लिए क्या करेंगे, अपने वेबसाइट www.luupdate.com पे वहां पे एक पेज क्रिएट करेंगे और उसमें हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से बात करके जितने भी कोर्सेज चलते हैं उनके सारे वन ईयर के फीस टोटल करके वहां पे लिख देंगे, वो फीस आप देख लीजिएगा और लाके यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा बच्चों, मतलब वही फीस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट को होंगे तो कॉलेज में जाके बात कर लीजिएगा बच्चों, और उसके बाद से क्या करना, हमें यहाँ पे कैप्चर कोड भरना बच्चों और फिर हमें क्या कर देना, अपडेट कर देना है, ठीक है बच्चों। अपडेट कर दिया भैया, अब पूछ रहा है गत वर्ष के बारे में बताइए, मींस आपके पिछले साल के रिकॉर्ड क्या रहे, ठीक है। चलो भैया ट्वेल्थ पास कर लिया, भाई पास तो करेंगे ही, कौन सी प्रणाली थी, वार्षिक शिक्षा प्रणाली थी, ठीक है, वार्षिक था, ठीक है, कितने नंबर लेके आए,
पूर्णांक कितना था? 423 था, 500, ठीक है, 500 का पूर्णांक था, 423 नंबर स्टूडेंट ने प्राप्त किया, 84% इसके कैलकुलेट करके दे दिया बच्चों। और उसके बाद से सिंपल सा काम है, यहाँ पे कैप्चर कोड भरा बच्चों, और फिर ये फॉर्म कर दिया हमने सबमिट, अपडेट पे क्लिक कर दिया बच्चों। अब ये हमारा काम समाप्त हो गया बच्चों। अब उसके बाद से आएगा बच्चों एक फोटो अपलोड करने का, मीन्स फोटो प्रपत्र अपलोड करें। फोटो के ऑप्शन पे जाइएगा, अब यहाँ पे कहेगा कि आप एक काम करिए 20 KB का फोटो अपलोड कर दीजिए। स्टूडेंट क्या होते हैं कि उनके बड़े बड़े फोटो होते हैं कि वो 40 KB 60 KB हो, तो सीधा सीधा एक काम करिएगा, गूगल पे लिखिएगा कन्वर्ट फोटो इंटू 20 KB। जैसे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इमेजेस इंटू 20 KB, यहाँ पे इमेज अपलोड करिएगा, करने के बाद फिर क्या करिएगा उसे डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, फिर सबमिट कर दीजिएगा और फिर यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। स्कॉलरशिप के पोर्टल पे आपका फॉर्म अपलोड हो गया, ठीक है, फोटो अपलोड हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आपको क्या मिलेगा कि आय और जाति प्रमाण पत्र जो है ना वो वेरीफाई करें। तो आय और जाति प्रमाण पत्र के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, ये फॉर्म इसलिए नहीं खुल रहा बच्चों, प्रॉब्लम ये हुआ है कि यूट्यूब ने कहा है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे थे, ठीक है, तो हमने ये किस्ते भर के बताया था उसमें। तो आय जाति में क्या होगा, आपका आवेदन संख्या, ठीक है, और क्रमांक संख्या दोनों आपको भरना है, और फिर कैप्चर कोड। तो फिर क्या होगा उसमें आपका नीचे नाम लिख के चला आएगा कि किस दिन ये इशू हुआ था, उसको आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका आय वेरीफाई होगा, फिर उसी तरीके से आपका जाति प्रमाण पत्र वेरीफाई होगा, ठीक है बच्चों। फिर ये काम हो गया, उसके बाद से आधार वाली आज की समस्या, ठीक है, प्रमाणित है तो आधार नंबर डालें बच्चों। तो आधार नंबर के लिए क्या होगा कि इसके लिए हमें आधार के लिए दो करना होगा, मतलब दो स्टेप है आधार के। सबसे पहला स्टेप ये है बच्चों, आपको वहां पे दो बार आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना है, ठीक है, डेमोग्राफिक वेरिफिकेशन। इसमें क्या होगा कि आपको अपना आधार नंबर दो बार डालना है, तो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी प्रमाणीकरण में क्या होगा बच्चों, आपका नाम दिया होगा, ठीक है, आपको आधार नंबर डालना है, फिर उस पर एक ओटीपी भेजना है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया हो, जिससे आपका आधार लिंक है, ठीक है, आपने दिया हो। तो क्या होगा बच्चों, एक बार जब ओटीपी डाल के आप सबमिट करेंगे तो तुरंत सबमिट नहीं दिखाएगा, उसे सबमिट होने में कम से कम 1-2 मिनट का टाइम लगेगा। अब घबराइएगा मत, मान लीजिए ओटीपी डाल दिया, फिर रीसेंट रीसेंट करके 3 चांस होता है, खत्म कर देंगे, फिर बहुत दौड़ना पड़ता बच्चों। तो ओटीपी अगर सक्सेस नहीं होता तो कम से कम 5 मिनट का इंतजार करिएगा, दोबारा से फॉर्म पोर्टल करिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा, फिर आधार का क्या हो जाएगा, स्पष्टीकरण हो जाएगा, मीन्स वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको एक ऐसे जांच करने हेतु आवेदन प्रिंट करें, ठीक है, फिर पूरा फॉर्म भर लिया हमने, जांच हुए तो आवेदन करने, तो हमारा कुछ ऐसा फॉर्म भर के निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, और इसको कर लेना है चेक। भैया अब इसको कैसे करें, क्या करें, कैसे इसमें गलतियां हैं, तो इसे क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यूनिवर्सिटी में लेके आता है, कहता सर इसमें चेक कर दीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो आपको अभी ऐसा हम काम के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा, हम लोग क्या कर रहे हैं आपको सही सही सारी जानकारी बता दिए, फीस की भी जानकारी। तो यूनिवर्सिटी बस दो ही चीज कहती है बच्चों, यूनिवर्सिटी बस ये देखती है फीस सही लिखा है, ठीक है, मान लो फीस सही लिखा, उसके बाद से यूनिवर्सिटी ये देखती है कि इनरोलमेंट नंबर सही लिखा है, हाँ सही लिखा, ठीक है बच्चे सब सही है, ठीक है, यूनिवर्सिटी कहती है लेके जाओ, जाओ फाइनल सबमिट करो। उसके बाद से आना है आपको, फिर क्या करना है, ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, लॉक कर देना, फिर 3 दिन के बाद प्रिंट आउट निकल के आएगा और उस पर लिखा होगा उसके पीछे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं बच्चों, तो वो डॉक्यूमेंट लगा के आप जमा कर दीजिएगा बच्चों। तो यही था स्कॉलरशिप, अगर आप इस तरीके से फॉर्म भरते हैं बच्चों तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आएगी। देखिए वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से जाके LU अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर एक फायदा होगा, हमने इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वहां पर लिख के बताएंगे, ठीक है, आपको कैसे क्या क्या करना है, किस तरीके से वहाँ की क्या अपडेट है, आपको हमारे मोबाइल ऐप पे सारी जानकारियां वहाँ पे मिलती जाएंगी, तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें भी हम सारी जानकारियां अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।